लो जी, मेरे वनियों सारे सत श्रीकाल, किसान जिंदाबाद, सलाम अलैकुम, नमस्कार, नमस्ते, राम राम जी। आज कुछ ज़्यादा नहीं है यार, लेकिन मैं बात एक जरूर करना चाहता हूँ। आज जो इंडिया में अभी दीप सिद्धू का एक्सीडेंट हुआ है ना, मैं कल जब गाड़ी देखी थी ना, कसम से बोलता हूँ, गाड़ी देखते सारी मेरे को लग गया था कि ये टोटली जानबूझ कर हुआ हुआ है सारा कुछ। तो अभी 2 मिनट पहले मैं पुलिस स्टेटमेंट सुन रहा हूँ बैठ कर, उसमें कल बता रहे थे गाड़ी वहाँ पर खड़ी हुई थी, ठीक है। तो अभी जो पुलिस ऑफिसर बता रहा है मौके पे वहाँ पे खड़े होकर, गाड़ी चल रही थी, ठीक है। तो यार इसमें कोई साजिश है, मैं को किसी पार्टी से नहीं हूँ मेरे भाई, मेरे को किसी से लेना देना नहीं। लेकिन दुख होता है जब सच्चा बंदा मरता है, क्योंकि उस बंदे को मैं उस टाइम से जानता हूँ जब वो फार्मर के लिए खड़ा हुआ था। वो बैरिकेड तोड़ के पहले वो गए थे दिल्ली, लखा सताना था और दीप क्या जिंगदा रंधावा था, दीप रंधावा और कई थे, मुख्यमंत्री था, ये सारे लोग इकट्ठे गए थे। तो साला दुख हुआ यार, कल भी मेरे को बहुत परेशानी से रह रहा हूँ कॉल से। कल भी मैं वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन मैं सोच रहा था वेट करूँगा कि इसमें कोई शक लग रही थी मेरे, कोई आई डोंट नो ऊपर वाले की तरफ से। मैं कोई कोई क्राइम सीन करने वालों से नहीं, कुछ नहीं हुआ भाई, लेकिन जो जिस तरीके से गाड़ी का और ट्रक का एक्सीडेंट दिखाया था ना, उसमें साफ नजर आता था कि ये सरप है एवरीथिंग, ठीक है। बाकी तो पता नहीं है, लेकिन मैंने जो देखा मैं वो बता रहा हूँ, मेरे को जो लगा, ठीक है। गाड़ी देख कर और पर अभी पुलिस वाले की रिपोर्ट सुनी है, तो यार वो बंदे के मैंने और भी इंटरव्यू देखे थे, वो फिर मैंने भी दूसरे लोगों की बातें भी सुनी उसके बारे में। वो तो बंदा यार एक नंबर वन बंदा था वो, मैं तो जानता तक भी नहीं बेचारे को, वो कौन है कौन नहीं है, वो क्या था कहाँ से आया था। मेरा कोई ऐसा किसी से लेना देना नहीं होता है, मैं सिर्फ उन बंदों के साथ खड़ा होता हूँ जो सच्चाई में चलते हैं, और वो बंदा पंजाब के लिए खड़ा था, मैं इसलिए उसके बारे में बोल रहा हूँ आज। क्योंकि बहुत दुख हो रहा था कल से उसकी बार बार वीडियो देख करके, यार जो बंदा अपनी ज़िंदगी छोड़कर पंजाब के लिए खड़ा हो गया, एक आफ्टर ऑल ही वॉज अ हीरो यार, उसको क्या जरूरत थी साले पॉलिटिक्स में आने की। ये वो तो खुद पैसे बना रहा था, मूवी में स्टार था वो, तो फिर उसको क्या जरूरत थी ऐसे काम करने की, ठीक है। वो तो सिर्फ लोगों के लिए खड़ा हुआ था। बहुत कुछ देखा कल मैंने, वो जहाँ पे चाट होती है वहाँ पे भी देखा कि लोग हंस रहे थे उसकी मौत के ऊपर। भाई जब खुद का मरता है ना, दर्द तभी होता है, दूसरों पे तो सभी को हंसी आती है। एक दिन ऐसा आता है खुद खून के आंसू हो गए, तब पता चलेगा मैं गलत था उस टाइम, ठीक है। आज आज लोगे कोई चक्कर नहीं है, देने जब दिन ढल जाते हैं ना, जैसे शाम ढल जाती है ना, वैसा ही होता है। मैं पते की बातें कर जाता हूँ अंदर से, समझदार को सारा काफी है बाप, वरना लानत है लख दी। तो मेरे को बस वही, आज मेरे को वीडियो पाने का कोई इरादा नहीं था, कुछ नहीं था मेरा, लेकिन दुख बहुत हो रहा था। अभी बार बार वीडियो देख रहा था उनकी, कैसे 4 पैसों के लिए या कुर्सियों के लिए लोग कितने गिर जाते हैं। पहले वो सरसांत लड़का था, उसको कैसे करा क्या किया, अब ये लड़का था इसको भी वैसी कर दिया। फिर मैंने वो एक इंटरव्यू सुनी थी कि वो उसको टेक्स्ट मैसेज कर रहे थे और फोन कॉल्स कर रहे थे, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया, लेकिन चेक कर रहा था। तो इसमें मेरे को कल से ऐसे ही डाउट था लगा हुआ था, लेकिन जब भी वो पुलिस वाले की सुनी है आज रिपोर्ट मैंने, उसमें डाउट क्लियर हो गया कि ये टोटली सरप है। क्योंकि पुलिस वाला सरेआम कह रहा है कि ये गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, और कैसे हुआ ये नहीं पता चल रहा है। आफ्टर ऑल एवरीथिंग वाज क्लियर, कि मेरे को तो क्लियर लगा कि ये भाई चंद पैसों के लिए हुआ है सारा कुछ, बाकी आप लोगों को ज़्यादा पता है अब मेरे से ज़्यादा, ठीक है। लेकिन यार दुख बहुत हो रहा है, एक अच्छा इंसान दुनिया से चला गया सिर्फ पैसे के लालच में और कुर्सियों के लालच में। आई होप इससे किसी को सबक मिल जाएगा जो कुछ हुआ है ये आपके लिए। अभी भी टाइम है, सुधर जाओ, वरना यही कुछ होने वाला है सभी के साथ। मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ, सत श्री अकाल।